Do you feel any difficulties of learning mathematics? क्या आपको भी गणित समझने में परेशानी होती है, कुछ मुश्किलें आती है? तो आइए हमारे साथ और सीखिए मैथमेटिक्स मजेदार और रोमांचक तरीके से। जी हाँ, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक या कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लघुतम। देखने में और सुनने में ये टॉपिक बिल्कुल इसके नाम की तरह लग रहा है, लघुतम, ठीक है, सबसे छोटा। लेकिन ये जो लघुतम है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ हाई क्वालिटी एंड ह्यूज वैल्यूज। जो हमारा एलसीएम है उसके पास एक बहुत सारी शक्तियां छुपी है। क्यों? क्योंकि हर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लघुतम के सवाल पूछे जाते हैं और बीइंग ए टीचर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि 10th क्लास या प्लस 2 में भी है, उनको लघुतम लेना नहीं आता है। हमारे पास कुछ संख्याएं दी है जैसे कि 46, 48, 120, 420 और 960 और 40। इन दो संख्याओं का लघुतम हमने निकालना है। हम इसी तरह से 3 संख्याओं का, 4 का, 5 का, 6 का एंड सो ऑन 50 संख्याओं का भी लघुतम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको छोटे तरीके से, क्योंकि छठी क्लास को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, 2 संख्याओं का लघुतम निकालने का एक तरीका बता रहा हूं जो कि इन 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। बाकी हर क्वेश्चन जो है लघुतम का आपने सॉल्व करना है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, या फिर हो चाहे 4 रकमें भी आपको बस दी, आप उन सबका लघुतम निकाल सकते हो। कैसे करेंगे आइए देखते। देखिएगा, मैंने जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिए उसमें से सबसे टफ वाला क्वेश्चन मैंने चुना है 960 एंड 480। इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको गुणनखंड निकालने आने चाहिए। गुणनखंड शायद आपको आते हैं, आई थिंक, यदि नहीं आते तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो में गुणनखंड की आपको जरूर बताऊंगा गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं। लेकिन आई थिंक छठी सातवें आठवीं कक्षा में ये गुणनखंड आपको करवाए हैं, आपने सीखे होंगे किस तरह से। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड ना करते हुए हम इकट्ठे दोनों के गुणनखंड, दोनों के टुकड़े करेंगे। 960 को जो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, एक बचता है 16, 8 दुने 16 और यहाँ पे 0 आ गया, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 2 0 0। इसी तरह से जब हमने इसको काटा 2 दुने 4, 4 दुने 8, 0 की 0, 2 कम 2, 2 दुने 4, 0 की 0 और इसको 120 दुना 240, 60 दुना इस तरह से। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ मुझे देखना है, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 15 आता है, लेकिन ये जो 15 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं कटता, तो हमने इसको आप एज इट इज यहाँ पर 15 को लिख लेना है। नाउ अब मैं क्या, मैं डायरेक्ट उसको, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ मुझे देखना है, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 15 आता है, लेकिन ये जो 15 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं कटता, तो हमने इसको आप एज इट इज यहाँ पर 15 को लिख लेना है। नाउ अब मैं क्या, मैं डायरेक्ट 15 से उठा लूं, इसको 15 से काट लूं? नहीं, हम सिस्टम से चलेंगे। 2 के बाद क्या होता है हमारे पास 3, तो हम 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 और यहां से 3 5 जा 15, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखिएगा कि 960 भी हमारे पास खत्म हो गया, एक बचा, और 480 भी खत्म हो गया, हमारे पास कितना बचा, एक। तो हमारा जो डिवाइड करने का, गुणनखंड करने का कार्य था वो हो गया पूरा। Now, how to find LCM? LCM का जब हम find out करते हैं, तो इन सारी जो यहाँ पर entries हैं, इन सबको हम इकट्ठा ही multiply कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने इकट्ठा इन number से काटा है, इसलिए इन सबको हम multiply कर लेते हैं। Simple तरीका है, आप इनको count कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 को हमने 6, 3 और 3, 6 times लिख लिया, उसके बाद 3 और 5। Now इनको हमने multiply करना है। तो मल्टीप्लाई यदि आप इधर से करोगे, 2 दुने 4, दुने 8, दुने 16, दुने 32, दुने 64, 3 पंजे फंस जाएंगे, तो हम उधर से चलते हैं ताकि हमें 0 मिल जाए। देखिए, 5 3 15, 15 दुने 30, 30 दुने 60, 60 दुने 120, 120 240, 240 दुने 480, 480 दुने 960। तो हमारे पास जो एलसीएम आया, दैट इज 960। इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 960। लेकिन एलसीएम निकालने के बाद हम इसको यूज कहां करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं आपको सिखाने वाला था कि एलसीएम तो ले लिया, लेकिन एलसीएम का यूज करना कहां है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं वेयर वी यूज एलसीएम। आपने इस तरह के क्वेश्चन अक्सर अपनी किताब में देखे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4/7 तथा 6/9 का योग ज्ञात करो, मतलब दोनों को प्लस करना है।
दूसरे में हमने लिया 14/35 माइनस 6/15 इनको हमने माइनस करना है। और तीसरा क्वेश्चन है 8 + 6 + 7 + 3 + 2 + 1/14 यहाँ पर खूब सारी संख्या इनको आपने प्लस किया है। अब मैं इसको लघुतम से कैसे जोड़ रहा हूं, मतलब अभी तो मैंने लघुतम सिखा है लेकिन यहां मैं प्लस और माइनस के चक्कर में आ गया हूं, तो लघुतम का क्या संजोग यहां पर? देखो बेटा, जब भी हम बटे वाली संख्याओं को, ध्यान रखना है अंश और हर, बटे वाली संख्याओं को जब भी हम या प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, दो ही चीजें केवल, या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो वी हैव टू टेक एलसीएम, हमें उन दोनों का लघुतम लेना पड़ता है। किसका? उनके हरों का, जो इनका हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यहां पर देखिए इन दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, कितना है 35 और 15, इनका हम एलसीएम लेंगे। यहां पर भी एलसीएम किस किस का लेंगे? 7 का, 2 का और 14 का, सबका एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम एलसीएम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था मेरा मेन पॉइंट कि हम बटे वाले सवाल को प्लस और माइनस यूजिंग एलसीएम लघुतम लेने के साथ किस तरह से सॉल्व करें। क्वेश्चन में देखिएगा 8, 6/7, 3/2, 1/14, इनमें से यहां पर हमने एलसीएम किस किस का निकालना है? 7 का, जी हाँ, 2 का, फिर 14 का और फिर 1 का। अब ये 1 कहां से आया? 1 तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओहो, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा कितना होता है? 1। और आपने हमेशा जब भी बटे के क्वेश्चन होंगे बटा जरूर लगा देना, भले ही 1 हो। ये नहीं समझना कि ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी 1 में लगा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। आप बेइज्जती से भी बचेंगे और अपने क्वेश्चन के कंफ्यूजन से भी बचेंगे। अब आपको सारी संख्याएं कैसे दिखाई दे रही है बटे में, तो आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब हम लघुतम किस किस का लेंगे? 1, 7, 2 और 14। एलसीएम किस तरह से लेंगे हम? 1, 2, 17 और 14, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो देखिएगा 1 तो नहीं कटता, ऐसे ही लिख लिया। 2 कटता है, 2 बन जा 2, कट गया। 7 नहीं कटता है तो हमने ऐसे लिख लिया। और 14 कटता है, 2, 7 + 14। अब आपके पास क्या बचा? 1 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो नेक्स्ट कौन है आपका? 7। यहाँ 1 आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कम्प्लीट। और एलसीएम कितना आएगा? जैसे कि अभी मैंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 कितने हुए? 14। आपका एलसीएम कितना आया? 14। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एलसीएम कितना आ गया? 14। अब उस एलसीएम का हम करेंगे क्या? किस तरह से हम इन 4 रकमों को उस एलसीएम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर अपना आंसर निकालेंगे? बेटा ये स्टेप जो है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हम करेंगे क्या? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, अब इनका कोलेक्टिवली हमने इन सब का एलसीएम ले लिया 14, तो इनका जो मालिक है, इनका मालिक अब कौन बन गया है? 14। इनका मालिक 1, 7, 2, 4 नहीं है, इनका मालिक 1 बन गया और वो मालिक कौन है? 14। क्लासेस छोटी हो या बड़ी हो, पहले हम बेसिक स्टेप ही सीखेंगे, तभी हमें सीखने का मजा आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो रकम है दैट इज 8/1, बड़ा ध्यान से देखना आपने, 8/1। और 8/1 का उस मालिक के साथ व्हाट इज, क्या रिलेशन है? आपने क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है 14 से। बस इतना सा कार्य आपने करना है। अब आप देखिएगा 1 और 14 तो आपस में कटते नहीं है, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास? 14 × 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 = 32 होते हैं और 8 × 8 = 112। तो कितना है आपके पास? 112। हम यहां पर क्या लिखेंगे? 112। उसके बाद जो भी साइन होगा प्लस माइनस एज इट इज आपने लगा लेना है। अब आप देखो कि दूसरी संख्या कौन है आपके पास? दैट इज 6/7। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर माइनस तो नहीं लेना है, माइनस ले लिया अपनी जगह जहां लेना था, अब तो हमने 6/7 और उसको भी सेम आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिएगा 7 से 14 कटता है, कितना आया? 7 × 4 = 7, 2 = 14 और 6 × 2 = कितना है? 12। तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे? 12। नेक्स्ट क्या है? प्लस, उसको लगा लिया प्लस। तीसरी रकम कौन है? 3/2। 3/2 को भी आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है एंड यू लेफ्ट विद, ये 7 आ गया और 7 × 3 = 21। यहाँ पर कितना आया? 21। एंड द लास्ट वन इज माइनस, माइनस 1/14। अब देखिएगा 1/14 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से 14 कैंसिल होके क्या है आपके पास? 1। यहां पर कितना बचा? 1। बस ये जो जंजाल था उसमें से आप निकल चुके। अब आपने एक सीधा बोर्ड मास यहां पर लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड मास किस तरह से लगाएंगे? देखिए आपके पास दो टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे, एक प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, क्योंकि जिसका साइन नहीं कुछ होता उसका साइन क्या होता? प्लस। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस।
आप प्लस प्लस को एक जगह रखेंगे, माइनस माइनस को एक जगह रखेंगे। तो प्लस और प्लस को मैं पहले प्लस कर रहा हूँ, 112 और 21 कितने हो गए मेरे पास, 132। ओके 132। और माइनस और माइनस को मैं अब कर रहा हूँ 12 और 1, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे, इनकी अपनी पावर है, 13 हो जाएगा एंड अपॉन 14। तो इसमें से माइनस किया 119 और बटे 14, दिस इज योर आंसर। आपने इन सारी संख्याओं का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 119/14। दैट इज हाउ वी यूज एलसीएम, हमने एलसीएम लेना कैसे है और उस एलसीएम से अलग अलग संख्याओं को मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है। तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको केवल 5 प्रश्न दे रहा हूं यहाँ पर, कुछ एक क्वेश्चन होंगे, बड़ी रकम भी हो सकती है, आपने उनका पहले एलसीएम लेना है और उसको फिर सॉल्व करना है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, मैं 10th क्लास के लिए भी खास तौर से कहूंगा, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 13 है, या एनी हाउ बहुत सारी एक्सरसाइज 3-4 चैप्टर जो है उसमें सब में एलसीएम का यूज होता है। तो आप प्लीज इसको, जब हम वहां तक पहुंचे तो आप इसको प्लीज पहले एलसीएम को अपना पक्का कर लें। आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए, आप प्लीज इसे कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब में भी दे सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, आपको ढेर सारी वीडियो जो है वो 9th क्लास, 10th क्लास और बहुत सारी क्लासेस की मिलेगी मैथमेटिक्स की। तो घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़िएगा और हाँ आगे बढ़िएगा। थैंक यू।